क्या आपको पता है कि दुनिया में किस देश का पासपोर्ट सबसे ज्यादा पावरफुल है? इस बात को जानने के लिए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ने साल 2022 की पासपोर्ट रैंकिंग लिस्ट जारी की है। इस इंडेक्स के जरिए ये पता चलता है कि किस देश का पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग या वीक है। पासपोर्ट किसी देश की गवर्नमेंट के जरिए अपने सिटीजन्स को इश्यू किया जाने वाला एक ट्रैवल सर्टिफिकेट है, जो देश के रेजिडेंस को इंटरनेशनल ट्रैवल करने के उद्देश्य से सिटीजन्स की आइडेंटिटी और उनके नेशनैलिटी के बारे में बताता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वर्ल्ड के सबसे पावरफुल कंट्री पासपोर्ट्स के बारे में। पहले हम शुरुआत भारत के स्टेटस से करेंगे। पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक भारत इस साल 83वें पोजीशन पर है। पिछले साल के मुकाबले भारत अब तक 7 पोजीशन ऊपर है और इसके साथ ही भारत 60 देशों का फ्री वीजा एक्सेस देगा। पासपोर्ट रैंकिंग में इस बार 3 एशियाई देश टॉप पर आते हैं, जिसमें जापान सबसे पहले पोजीशन पर है। कोविड महामारी से पहले यूरोपियन देश रैंकिंग में हावी थे। अब जापान में रहने वाले सभी नागरिकों के पास दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है, क्योंकि अब उनके लिए 193 देश में वीजा फ्री है या वीजा ऑन अराइवल के साथ एंट्री करने के लिए एलिजिबल है। साउथ कोरिया और सिंगापुर दोनों ही रैंकिंग लिस्ट में सेकंड पोजीशन पर आते हैं। दोनों देशों के पासपोर्ट उनके सिटीजन्स को बिना किसी रजिस्ट्रेशन के 192 देशों तक पहुँचाने में अलाउ करता है। जर्मनी, जो पहले सेकंड पोजीशन पर था, अब स्पेन के साथ रैंकिंग में तीसरी पोजीशन पर आता है और दोनों ही देश अपने सिटीजन्स को 190 देशों का फ्री वीजा प्रोवाइड करते हैं। वहीं फिनलैंड, इटली और लक्सेमबर्ग चौथी पोजीशन पर आते हैं, जो 189 देशों का वीजा एक्सेस देते हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क के साथ 5वीं पोजीशन पर आते हैं, जो अपने सिटीजन्स को 188 देशों का वीजा प्रोवाइड करते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि उन 3 देशों के बारे में जिनका पासपोर्ट सबसे ज्यादा वीक है। अफगानिस्तान ने इस साल सबसे कम रैंक वाले देश के रूप में अपनी पोजीशन बरकरार रखी। अफगान के सिटीजन सिर्फ 27 देशों में बिना किसी रजिस्ट्रेशन के ट्रेवल कर सकते हैं। इराक और सीरिया भी रैंकिंग लिस्ट में लास्ट रैंक पर आते हैं।